कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए हर तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है। कोई बीमारी से लड़ रहा तो कोई गरीबों को दो वक्त की रोटी मुहैया करवा रहा है। इसी दिशा में राष्ट्र पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद दर्शन का अनुसरण करते हुए अंत्योदय के लक्ष्य के प्रति संकल्पित होकर प्रदेश के पूर्व मंत्री व विधायक गौरी शंकर बिसेन बीते एक महीने से जरूरतमंदों को भोजन, राहत, उपचार, सैनिटाइजेशन और कोरोना वीरों को उचित सहयोग और सम्मान दिलवाने में जुटे हुए हैं। इसी कवायद में विधायक बिसेन ने उपनगरीय क्षेत्र बर्रा में वृहद स्तर पर अपेक्षितों को सूखे राशन के 1000 से अधिक पैकेट और घरों में बने मास्क वितरित किए। रविवार तक श्री बिसेन के सहयोग से बालाघाट नगर और लालबुरा क्षेत्र की 77 ग्राम पंचायतों के गांवों में लगभग 15,000 से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाई गई है। यह सिलसिला आगे भी नगर व अनेकों ग्रामों में जारी रहेगा। यहाँ के जितने भी जरूरतमंद परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उन सब परिवारों में एक एक थैली राशन की हम उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। इस राशन के थैले में 5 किलो चावल है, 1 किलो दाल है अरहर की, 0.5 लीटर खाने का तेल है, हल्दी और मिर्ची के पैकेट हैं। एक तौर से जो लॉकडाउन के कारण हमारे ग्रामीण अंचल के लोगों को निसंदेह जो हमारा खाद्यान्न की दुकान है, सस्ते अनाज की दुकान, उससे बीपीएल, अंत्योदय और एपीएल के भी जो जरूरतमंद परिवार हैं उनको राशन बंट रहा है। लेकिन ये भी एक आवश्यकता महसूस की गई कि कुछ लोगों ने कहा हमारे पास तेल नहीं है, हमारे पास दाल नहीं है, तो फिर हमने तय किया कि अपने बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक ऐसे जरूरतमंद परिवार तक हम सामग्री पहुंचाएं और उसका एक अभियान के रूप में हमने इसको लिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री गौरी शंकर जी बिसेन और टीम मौसम के सौजन्य से आज दर्रा के वार्ड नंबर 11-12 में खाद्यान्न का पैकेट वितरित कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी जरूरत की चीज थी, क्योंकि आज इतने दिन से जो लॉकडाउन से सब इनकी रोजगार खत्म हो गए थे, यहाँ का हर मजदूर वर्ग तबके के लोग हर चीज के लिए बहुत ही विचलित हो गए थे। जो समय पे ये मिल जाने से उनकी बहुत बड़ी खाना पूर्ति हो जाएगी, एक सराहनीय कदम है।